नेक्स्ट डे अब उठ को रेडी होकर जल्दी निकलना, लोग डाल लिया गाड़ी को, गाड़ी रेडी हो गई, चलो देखेंगे। खाली पैकिंग करना, पैकिंग करके निकलना इधर से। गाड़ी सब स्टार्ट होगी, हीट होगी और 5 मिनट्स में निकलता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ। एक्चुअली टाइम में ज़रा डिले होगा, सो तो बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल को अभी तो जगह कवर करके जाने का था, देखेंगे इंशाल्लाह हुआ तो रास्ते में वो भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। होगा पैकिंग सब पूरी होगी, अब यहाँ चेकआउट करना, पेमेंट सब पूरा कर ले, सेटल होगा था होटल का पूरा, बैग सब ले लिया, अब लास्ट टाइम व्यू देख लेंगे बाहर का। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकलेंगे यहाँ से, पूरा पहन लिया, रेडी होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बिस्मिल्लाह। चीज़ हाँ मस्त पैक कर लग आया था मैं। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह हाँ सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा मा कुन्ना नअमलु क़रीमीन वा ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल क़य्यूम सुब्हानहु व तआला फर्स्ट जाको नाश्ता ख़त्म करना, उसके बाद एक दो तीन चीज़ें लेना था हमें इधर से, वो बहुत टाइम कम है, जल्द से जल्द वो नाश्ता ऑर्डर करको, कैसा तभी मैनेज करको होते टाइम के अंदर, लेको ऑर्डर आए थे लेको आना सामने का तभी दुकान देख को वो ले तो मैं, वो एक दो स्टिकर्स हैं हुटी के लेने के, वो लेना इम्पोर्टेंट है। तो इधर नाश्ता करने पहुँचता हूँ, अब पहुँच को नाश्ते के बाद से तो कैबिन सीधा निकलना, सो लंच ज़रा दूर जाको करने का इरादा है, जैसा कि अब तक तो प्लान है चनपटना ताज है ना, उधर ताज होटल लजीज ताज बोल को उधर करने का प्लान है, देखेंगे कैसा कैसा होता है वैसा वैसा। अंदर के रास्ते में भी देख को चलाना सब ज़रा, इधर सडन बच्चे आ जाती बैला आ जाती, अब बहुत ज़रा वीडियो में दिख रहा ना वैसा नहीं है, उससे ज़रा क्रिटिकल रहता है इधर, कॉम्प्लिकेटेड है ज़रा रास्ते, और मैप्स तो होना छोना, मैप्स नहीं तो नहीं होता इधर, एटलीस्ट पूरा बाहर निकले तक वहाँ से तो मुझे मालूम है रास्ता, तभी मैप्स यूज़ करे तो बहुत अच्छा, मैप यूज़ करे तो कंफ्यूजन नहीं होता, तुम ना चले के जाए हिसाब से। और इधर सामने एक होटल है आती है शायद देख ले कहीं, तो उधर जाको खड़ा पहले नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ तुम ना, रास्ता इंजॉय करो। तो हाँ एक होटल थी उधर आया मैं नाश्ता करने के वास्ते 10:30 ही मॉर्निंग, बॉटल हमें कर लिया सो वॉच रख लिया गई।
ये स्टोन चॉकलेट लिया और रोटी का फ्रिज स्टिक कर लिया, ज़रा च्युइंगम्स लिया रास्ते में, ज़रा मुँह बिजी रहना कर को, अब ऑर्डर कर को जल्दी आया सो में, खाना आए तक जल्दी जाना उधर, आगा नाश्ता कर ले को, चलो निकलेंगे बिस्मिल्लाह बोल को। जस्ट नाश्ता हुआ बीच, हम निकल रहे हैं अब घाट सेक्शन आता, बहुत अच्छा है, जो हमें आए वो घाट नहीं, वापस जाने दूसरा घाट आता वो भी बहुत अच्छा है, जो कि तुम्हें जाहिर सी बात है देखती हूँ वीडियो में ये। तो खाना खाने का प्लान, तो लंच का बहुत लेट है, लेट ब्रेकफास्ट कर लिया मैं, उसके बाद काम भी चले आ रहा है ने अर्जेंट में, उसके बाद जाको ऑलमोस्ट होता टाइम, घोड़े देखो शाम होती है हमें ऑलमोस्ट जाको लंच को पहुँचे तक का। अब रास्ते में घाट आता है, बंडीपुर आता है, सब तुम एंजॉय करो। रास्ते में एक छोटा फॉल्स है, देखने खड़ाया था गाड़ी में, तो एक मिनट दिखाता हूँ, बांध रहे बहुत ही यहाँ सोना कि नाच नाले चले जाएंगे बाद। ये मेन गाड़ी स्टॉप करना बोले तो क्या है, पूरा ब्लूटूथ हेलमेट में ही, फ़ोन का कैमरा पूरा अटैच करके हूँ, हेलमेट को पूरा निकालना, देखो फॉल्स, सामने का रोड पहले था सो वो ज़रा वीक हो गया रोड, बोल को क्लोज कर को ही अच्छा है, देखो माशाल्लाह वो रोड, वो सामने का जो बंद है उधर जाको दिखाता तो और अच्छा व्यू मिलता था इसका, लेकिन क्या करना बंद कर को ही, जरा वीक हो गया कहते ब्रिज वो, पूछा मैं इधर नो देखो इनोच वीक करें सो शायद ब्रिज वो होगा, चलो वापस जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर शुरू करेंगे, चलो रास्ता एंजॉय करो तुम्हें। अब इसके बाद बंडीपुर इधर से एक लगभग है 40 किलोमीटर्स है अभी बाकी, और चलो तुम रास्ता एंजॉय करो, बंडीपुर में मिलता हूँ मैं। फिर एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया हमें, घाट सब खत्म होगा घाट सेक्शन, उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक चाय पियेंगे बोल को, चाय कम कर डालियो मैं, लेकिन होना भाई ट्रैवलिंग में चाय नहीं तो नहीं होता, इधर हेलमेट रखो सब रखो, चाय पी लेता हूँ उसके बाद निकलेंगे। ये कल जो एक्सीडेंट हो गया था अभी ऐसा छे लॉरी, वो क्या हुआ कि यहाँ फ्यूल ब्रेक को खड़ा है होगा, अब वापस जाने के होता पेट्रोल डालना, फिर वह टाइम 2 घंटे हो रही ऑलमोस्ट, जोहर की नमाज पढ़ना, पेट्रोल डाल ले को यहाँ से निकलना, अब यहाँ से भी अभी व्यू है देखो पहाड़ों का, ये मस्जिद को आए हमें नमाज पढ़ने, बंडीपुर से अब एक 20-25 किलोमीटर दूर है मस्जिद, ये अब आना है चीज़ें रखना, नमाज तो होगी है मैं यहीं, और यहाँ केरला के भी आदमी आको ही को उनकी ट्रिप को उनके साथ जमात बना को पढ़ लेना बोल को, पहले मैं ही जाता था ना ट्रिप्स को सभी, उतना नमाज की पाबंदी नहीं करता था, लेकिन जब से उसकी ये समझ में वैल्यू बन जाए
नमाज पढ़ को गए तो अल्लाह हमारे साथ होता है। कितने कितने एक्सीडेंट होती हैं, सब होती हैं। ज़रा नमाज की पाबंदी कर लेना, ज़रा होएगा मुश्किल। अब हमें भी कितने की चीज़ें, कितने के वैल्यूएबल चीज़ें लेकर गए, पूरा साइड में रखना पड़ता है, अल्लाह के भरोसे पर छोड़ को पढ़ना पड़ता है। तुम ना तो सऊदी का खसा तो मालूम होगा ना, दुकान छोड़ को चले जाती हैं आदमियाँ खुले। वैसा जितना हो सकता है हमारे हाथ से नमाज़ों की पाबंदी कर लेना। चलो जाएंगे, अब होगा बंडीपुर, सब पूरा ख़त्म होगा, एडवेंचर ख़त्म होगा ऑलमोस्ट। अब पूरा हाईवे है, सो तो तुम्हें रास्ता एंजॉय करो। अब कल जहाँ हमें ब्रेक डाले थे, टी ब्रेक, वो होटल में वापस खड़ाने वाला हूँ मैं, तब तक तुम्हें रास्ता एंजॉय करो। और ये गाड़ी चलाते चलाते व्लॉग लेना सब आसान दिखता है, लेकिन आसान नहीं है मेरे भाई। क्योंकि तो मेरे पास मैं गोप्रो यूज़ नहीं करता, मैं एक माउंट है वो मेरे वीडियोस में डाल को हूँ, मैं कौन कैसा माउंट बोल को उसमें फ़ोन रख को मैं शूट कर रहा हूँ। सो ये सब बहुत इजी दिखता है, लेकिन एकदम बहुत डिफ़िकल्ट रहता। उससे मैं पहले डेली व्लॉग्स बनाता था, उससे अब स्टॉप करको हूँ फ़िलहाल। पहली बात कंटेंट डालना, अच्छा कंटेंट अच्छा डालने पर बिलीव करता हूँ मैं। डाले तो देखने वाले को भी कहते भी एक इन्फॉर्मेटिव है ना, कुछ समझ में आना। ऐसा क्या किया हमें, चलो उठे पिए खाए पिए रोज़ डाल डाले तो क्या भी समझ में नहीं आता हमको कुछ। अब कौन तभी जा रही है बाइक राइड को, कहते भी ट्रिप को बोले तो ये वीडियो देखे कुछ तो समझ में आता है। मैं डालता हूँ सब मेनली मेमोरी के वास्ते। आज हमें यहाँ जा रही, कल का दिन हमें बड़े हो जाती हैं तब सुकून से याद है तो ट्रिप ये बैठ को पूरी ट्रिप देखे जाए, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग फोटोज़ आराम से एक व्लॉग आराम से बैठ को देखे तो पूरे यादा ताज़ा हो जाती हैं। क्या बोलते हैं वो, मुझे सही बोल रहा हूँ ऑनेस्टली। ये नहीं है कि यूट्यूब में डालना, यूट्यूबर बनना, ये करना वो करना, तो मैं कैसा भी कर ले सकता था। मुझे इतना है जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स जो भी देख रही जितने जिन्हें सपोर्ट कर रही हैं, बस मुझे उनका सपोर्ट तो, और भी कितने जिन्हें सपोर्ट करे तो भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी हम ब्रेक डाल लिया, उधर से ज़्यादा दूर नहीं था, 160 किलोमीटर था सो ये, तो यहाँ एक छोटे मोटे स्नैक्स ले को खा को यहाँ ख़त्म करना खिस्सा। क्योंकि तो ये बहुत लेट है, लंच अभी बहुत रेयर देखने को मिलती है कार ये। चलो निकलेंगे अब इधर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अब इधर से स्ट्रेट जाना एक है, लगभग 80-90 किलोमीटर है। स्ट्रेट जाको उधर राइट लेने ले तो, मेरे लास्ट व्लॉग में मणिपाल हॉस्पिटल बोला था ना, उधर का रोड आ जाता है मैसूर रोड, तो सैडली एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं ले सकते हमें, तो नीचे बाजू जो पुराना रोड है मैसूर रोड, उधर से जाना पड़ेगा। लंच को अभी टाइम है, टोल है इधर, टू व्हीलर में है तो एक फ़ायदा, टोल नहीं पड़ता, तुम आराम से साइड से चले जाओ। ज़रा टू व्हीलर्स में पड़ता, ज़रा टोल्स में पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के यहाँ के बाद में वहाँ चले जाएंगे सीधा लेफ्ट से, देना भी पैसे वहाँ, नहीं तो छोड़ते नहीं। हाँ तो इधर से हमें निकलने को था। ये रोड का नाम तो मुझे मालूम नहीं, क्या की है, अजीब टाइप का नाम है तो मालूम नहीं मुझे, तो मैं वॉच बोल ले था तुम ना। जितने भी जने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी जने टाइम निकाल को मुझे व्लॉग्स देख रही, मुझे एक बहुत मायने रखता है वो। वत्ता तो क्या भी भारी कंटेंट नहीं है भाई मेरा, बोलूँगा तो कब तक भी डालता हूँ वीडियोस, क्या तभी एक ट्रिप को गया बोल तो एक एज ए मेमोरी में डालता हूँ, तो यूट्यूब में शेयर करता हूँ, उससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो नहीं है शेयर करने का। तो ऐसा मैं डालते रहता हूँ, ऐसा सपोर्ट करते रहूँ मुझे तुम्हें। यहाँ पहुँचते 4:30 हो गए तो शुगर कैन जूस पीएंगे बोल को, चाय पी को बस होगा था, शुगर कैन जूस पी को निकलना अब इधर से। ज़रा खुद बैठ को रेस्ट ले, बहुत हालत ख़राब हो जा रही है अभी, जाने एक्साइटमेंट में चले आती हैं वापस आए तक ज़र्रा हालत ख़राब होती है, डिपेंड होता है आदमी के ऊपर कि देखेंगे। आगे हम यहाँ ताज को टाइम देखो 5:45 हो रही, तो ये रोड में लेफ्ट साइड में आता, तुमने एक्सप्रेस हाईवे में गए तो ज़र्रा देख को आज लजीजिया, ताज लजीजिया रेस्टोरेंट बोल को, ज़रा रेस्टोरेंट का नाम देख लियो, बराबर से आ जाओ। मैं पर्सनली बोलूँगा तो पर्सनली मेरा ओपिनियन एम्पायर से अच्छी दिखती है मुझे होटल, ये एम्पायर में भी अच्छा रहता है। इधर देखो क्या जुगाड़ कर रहे हैं हमें वज़ू बनाने असर के नमाज को, यहाँ से पानी बॉटल में भरने नहीं हुआ, देखो यहाँ से ले को जा रही। यहाँ मुसल्ला भी है नमाज के वास्ते, मजलिस भी है बैठ को खाने, मुसल्ला है, नमाज होना तो पढ़ ले जा। लेडीज़ का मालूम नहीं मुझे, जेंट्स का जितना मालूम है, जेंट्स का है लेडीज़ का मालूम नहीं।
इधर देखो हमने बाहर भेजे वज़ू बनाने, इधर इतना अच्छा इंतज़ाम है वज़ू बनाने का। खैर इधर तो है प्लान, मगरिब तक होता है, खैर तक मगरिब का टाइम भी हुआ था, मगरिब पढ़ को जाने का, मगरिब में बना ले जाए वज़ू इधर आराम से होगा मेरा, मैं नमाज को खड़ रहा हूँ। मिल यहाँ लंच खा को ख़त्म हुआ, बारिश पड़ना शुरू हो गई भाई, इधर ज़ोर की पड़ रही है एकदम, वीडियो में दिख रही है ना वैसे नहीं है, तो बारिश में तो हरगिज़ नहीं जाता मैं, क्योंकि तो सब हमें ऑफिस को भी जाना नहीं होता, फिर बुखार आ गई तो परेशानी। मैं तो वैसा डरता नहीं, बुखार आती है ये वो कृपा आना रहा तो कैसा भी आती है बुखार, लेकिन कई को प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। आराम से यहाँ बैठेंगे सुकून से, मगरिब का टाइम भी हो जाता, मगरिब पढ़ ले को हो सके तो ईशा भी यहाँ फिनिश कर ले जाने का प्लान है, सुकून से चले गए जा घर को जाको सीधा सो गए जा, पूरा बारिश पड़ रही है। अच्छा है इधर का खाना भी अच्छा है तुम ना, बाद वॉशरूम्स पूरा अच्छा क्लीन रहते हैं एज कम्पेयरिंग टू एम्पायर, ये भी जो ट्राई नहीं करको ही एक बार ट्राई करको देखो, अच्छा है ये भी रेस्टोरेंट अच्छा है, मेरा फ्रेंड रिकमेंड कर रहा सो ये। 7:45 हो गई अभी, इधर हम निकल रहे हैं, ईशा भी पढ़ लिया जैसा हमें बोला था, हम निकल को सीधा जाना सो। चलो जी ये बिस्मिल्लाह, फिर ये मैप्स डालना। अब ये जो रोड है 7:45 हो गई, जो भी टू व्हीलर में ट्रैवल करती बहुत देख को संभल को ट्रैवल करो, क्योंकि तो बाजू के रोड में बहुत सीजिंग होती है, बहुत सुन को हूँ मैं, और हमने एक बार कार में भी एक्सपीरियंस हुआ था छोटा मोटा, वो क्या भी होता शेयर करे ऐसा नहीं है, तो हमें ऐसा कि हमारी ब्रेवरी से हमें बच को चले गए, कार सीधा ले जा चढ़ा डालना सुपर बता, टू व्हीलर में क्या भी नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं रहता तुम ना, तो ज़रा देख को जाना है, एक से चार जने ही तो ज़रा फॉलो कर ले चले जाओ, डब्बा लेक सामने चले जाना, अकेले चले आना, सब करो उन को, सोलो जा रही तो हरगिज़ अकेले जाओ उनको, दो जने रहना क्या तभी कैरी करो साथ में, हमें भी एहसास नहीं आ गया, हमें भी जरा चीज़ें कैरी करको आको ही, वैसा क्या तभी इमरजेंसी में यूज़ करना पड़ा तो फॉर डिफेंस नॉट फॉर अटैक, वैसा ज़रा तुम्हारी हिफाजत तो मैं करको, क्योंकि तो फैमिली भी रहती है घर में, फैमिली भी वेट कर ले सकती है, तो हमें सही सलामत पहुंचना ना, गाड़ी तो हमें चला लेती है, देखो रास्ता कैसा अंधेरा है इधर का, एक स्ट्रीट लाइट ने क्या भी नहीं, खाली पैसे दिए तो कार में गए तो ऊपर से भेजती हूँ, वहाँ पूरी सहूलत रहती है, यहाँ क्या भी सहूलत है छको नहीं। खैर कैसा भी करको निकल रही है, अब बीच बारिश पड़ी जरा, रोडा भी कच्चे हैं। ब्रेक लिया हमें, मोस्टली लास्ट ब्रेक है ट्रिप का, 9:45 हो रही, तो इधर से एक 45 किलोमीटर है बैंगलोर बताच, रामनगर में ही हमें ज़रा खुद बैठी 10 घंटे हो गए, शिवाजी नगर में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया सेफली, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसा देखते रहो वीडियोज, ऐसा सपोर्ट करते रहो, जो सब्सक्राइब नहीं करो ना सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ बोल सकती इंप्रूवमेंट के वास्ते तो मुझे कमेंट के जरिए, या फिर पर्सनली जानती हैं तो मैसेज में बोलो, डोंट हेजिटेट फॉर योर रिव्यू, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखो।